गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह सुबह की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सबका बहुत 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 स्वागत है। सबकी लाइफ बहुत भाग दौड़ भरी है और इस लाइफ में भी कुछ अब हेल्दी चीज़ें और कुछ अपने लिए समय निकालना हर इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी निकालना और करना तो अपने हाथ में है। तो उसी को करते हुए जो है बस लाइफ आगे चल रही है। और आज सुबह जो है मैं इडली का बैटर भिगो रही हूँ। भिगोना इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये रवा की इडली है, सूजी की इडली है, और मोस्टली मेरे यहाँ सूजी की इडली सभी लोग को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और जल्दी बन भी जाती है और जो है और हल्की भी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी वजह से तो मैं ये सूजी की इडली भिगोने के लिए मैं इसको रख दे रही हूँ। इसमें मैंने दही मिला लिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और पानी डाल के मैं इसको जो है भिगो दूँगी थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद में फिर इसको जो है अभी थोड़ा सा जो रेगुलर जो सुबह मॉर्निंग के काम होते हैं ना, उसको करने के बाद जो है मैं इसको बनाऊंगी। और बना के सबसे पहले काम है कि बच्चों को भेजने का, तो उसके टिफ़िन के लिए है। तो अभी मैं जब कुछ काम कर रही थी ना, तो करते हुए मुझे जो है ये याद आया फ्रिज में चटनी रखी हुई है। और ये चटनी जो है रात में मैंने बनाई थी। तो ये धनिया पत्ती, अदरक, थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी हरी मिर्च और की चटनी है। और इस सीज़न में चटनी खाने का अपना अलग मज़ा होता है। तो चटनी रखी थी तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है और मैंने इस चटनी को इस बैटर में डाल दिया। और सच मानिए इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। और बहुत जब बन गया ना तो मैंने भी टेस्ट किया और बहुत अच्छा बना था। तो अगर सीधे सीधे काट के डालते हैं तो उसका जो है अलग, और ये जो पिसा हुआ है ना तो इसमें लहसुन अदरक मिर्ची सब पड़ी हुई है, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो बस इसको मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद सबसे पहले इन लोग को भेजना है ना, तो इन लोग को देने के लिए मैं बना ले रही हूँ। और उधर मैंने चढ़ा दी है चाय, जो कि सवेरे की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और सब यहीं पे घूम रहे हैं क्योंकि सबको स्कूल जाना है, कुछ ना कुछ सबको चाहिए। और आज है मंडे, तो संडे को भाई कपड़े कहाँ है, शूज़ कहाँ है, मोज़े कहाँ है। तो भाई जब तक आप एक एक करके बताओगे नहीं, दोगे नहीं, तब तक मिलेगा नहीं। और सब कुछ सामने होते हुए भी नहीं दिखेगा क्योंकि एक एक हैबिट बन चुकी है ना कि मम्मा आएगी तो देगी, तो ये है तो उन्होंने रखा है, वही जानते हैं। तो इसी सब के लिए तो फिलहाल ये काम सबके घर में एज यूजुअल ऐसे ही होता आ रहा है। तो जो है बस मैं भी इन लोगों के टिफ़िन के लिए तैयारी कर ले रही हूँ। इन लोग को टिफ़िन दे के भेज देते हैं, उसके बाद फिर दूसरे काम करते हैं। और आज ना मेरे पास बहुत से काम है, ऐसा नहीं कि काम नहीं है, बहुत काम है। और हम लोग का तो रोज़ का ही रहता है, इसमें क्या बताऊँ किस दिन कम है किस दिन ज़्यादा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो बस मैं इधर जो है एक फर्स्ट बैच जो है रख दिया है और इसमें इन दोनों का टिफ़िन हो जाएगा। और इससे बहुत ठंड लगती है। तो अब जो है बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं आई हूँ छत पे। और जितनी भी जो चादर वगैरह थी जो संडे के दिन धुली हुई थी, उन सब चादरों को जो है थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा धूप और लगाना बाकी रह गया था क्योंकि मैंने दोपहर के बाद धुला था, तो उसमें प्रॉपर तरीके से धूप नहीं लगी थी। और कहीं कहीं से जो है कुछ लग भी रहा था, सिमसिमाहट जैसी होती ना गर्म, कुछ नमी जैसी। तो इसलिए मैं उसको फिर से धूप में डाल दे रही हूँ। और हमारा जो है जो भी सवेरे का नहाना धोना और सब जो भी काम होते हैं रेगुलर के, वो हो चुके हैं। अब बाकी रह गया है तो सिर्फ नाश्ता बाकी रह गया है, तो भी कर लेंगे। फिर दोपहर है, फिर शाम है, तो बस अपना तो ऐसे ही चलता रहता है। सभी जितनी भी हाउसवाइफ होंगी उन सब का बस ऐसे ही चलता है। तो वही मैं आई थी ऊपर इन सबको अच्छे तरीके से धूप लगाने के लिए। और चादर सूखे हुए हैं लेकिन कहीं कहीं से ऐसे लग रहा है कि हाँ कुछ सिमसिमाहट जैसी। और जब तक अच्छे से सूख नहीं जाता ना तो तब तक मन नहीं मानता क्योंकि स्मेल सी बनी रहती है, उसमें एक स्मेल आती रहती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमृता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे, जिसका नाम है अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड। और आज जो है मंडे है, मंडे मतलब वर्किंग डे शुरू हो चुका है। तो वर्किंग डे शुरू हो गया तो बहुत से काम भी शुरू हो गए हैं। फिलहाल हमारा संडे तो खैर कभी नहीं होता है, कोई बात नहीं। और बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मतलब जो है बस ऐसे ही रोज़ का जो रूटीन वर्क है वो चल रहा है। आज सुबह से मतलब थोड़ी सी जो है लग रही थी बहुत। अगर आपके घर में अगर एक पेशेंट भी अगर है जैसे बुखार है, इस टाइम बुखार इतना ज़्यादा फैला हुआ है
इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि हर एक घर में एक पेशेंट है जो बुखार से पीड़ित है। और बुखार जब 2 दिन 3 दिन ज़्यादा रह रहा है तो उसकी वजह से प्लेटलेट्स कम हो जा रहे हैं। फिर अगर आप नेक्स्ट चेकअप कराओ तो उसमें पता चल रहा है कि डेंगू हो रहा है। तो इस टाइम तो भाई जितनी ज़्यादा हो सके आप लोग सब लोग बचाव करिए, जितना ज़्यादा हो सके जो है मच्छर भगाने के जितने उपाय हैं सब कर लीजिए। और पता नहीं क्यों मच्छर चाहे जितना भगाने का उपाय कर लीजिए लेकिन ये बिल्कुल जो है डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा कर रखा है कि बता नहीं सकते। चाहे कुछ भी कर लो मच्छरों पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से बुखार ज़्यादा फैल रहा है। और मेरे यहाँ भी बुखार जो है 2-3 दिन से लगातार आ रहा है, इनको आ रहा है मेरे हस्बैंड को। और बुखार आने की वजह से ना तो एक होता है ना कि वायरल ही है लेकिन डर लगता है। तो फिलहाल कुछ नहीं, बस से फीवर है, सब ठीक है। तो बस आप लोग भी जो है बचाव करिए, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है हमारे एरिया में, तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी मैं ऊपर से आई हूँ नीचे, और ऊपर नीचे तो हमारा लगा रहता है ऊपर आने जाने का। यहाँ नीचे मैं आई हूँ, सबसे बड़ा काम है आज पपीते की पत्ती जो है इसका रस निकाल के मुझे देना है। और कहा जाता है कि इससे प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इस समय जो डेंगू जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और मेरे यहाँ तो जो है अभी इन्हें बुखार आ भी रहा है, तो डर लगता है सुन के। तो इससे अच्छा है कि कुछ कम हो, तो एहतियात क्या कहते हैं उसको, एहतियात के तौर पर यानी प्रोटेक्शन के तौर पर जो है मैं ये पत्ती और ये थोड़ी सी 2 पत्ती नीम की, वैसे ये पत्ती बहुत कड़वी होती है, और इस पत्ती को पीस के और इसका रस निकालना है। और ये सिर्फ कभी पीसना पॉसिबल है क्योंकि मिक्सी में नहीं पीसेगा इसको, सिर पे पीसिए बिना पानी के पीसे, पत्ती में वैसे ही बहुत पानी होती है। तो इसको जो है गर्म पानी के साथ ले लेंगे तो जिससे उनको जो है राहत मिलेगी। और इसमें हल्का सा मैंने ऐड कर दिया है काला नमक। काला नमक इसमें क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, थोड़ा नमक रहेगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो पीना बहुत मुश्किल है। इडली तो बहुत ही हल्का होता है, बहुत नॉर्मल जो है बिल्कुल, उसमें ना ऑयल मसाला कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना मुँह का स्वाद ख़राब हो जाता है थोड़ा बुखार की वजह से। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इडली, और जो बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इससे पहले जो है मैंने इडली की 2 रेसिपी शेयर किया था, एक फ्राई वाला शेयर किया था और एक नॉर्मली ऐसे ही शेयर किया था। अगर आपको मेरा वो वीडियो देखना हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ये इडली मैं आज थोड़ा सा इसके साथ जो है थोड़ी सी कारस्तानी करूँगी, थोड़ा सा इसको मैं जो है थोड़ा अलग स्वाद दूँगी, क्योंकि होता है कि एक बार कई बार एक ही बार जैसा स्वाद लेने से ना थोड़ा सा मन नहीं करता है, तो इसलिए थोड़ा स्वाद चेंज हो जाए तो शायद खाने की इच्छा हो जाए। तो थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट तो हम लोग सब जितनी भी हाउस वाइफ हैं वो लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो करती रहती हैं। तो आज मैंने सोचा आज मैं भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट करूँगी, आज सिंपल इडली नहीं खाऊँगी, ना ही मैं इसके साथ सॉस लगाऊँगी, आज मैं इसको बिल्कुल जो है इसको कहते हैं ना साउथ और चाइनीज़ दोनों मिक्स करके बनाऊँगी। तो ये इडली वैसे साउथ की जो है डिश होती है, साउथ का भोजन है, लेकिन आज मैं इसको चाइनीज स्टाइल में बनाऊंगी, जैसे चाइना में हर चीज़ में कैप्सिकम टमाटो अनियन सब डाल के बनाते हैं ना, बिल्कुल चाउमीन और नूडल वाला स्वाद जो होता है ना वो आएगा आज इडली में। तो आज मेरे दिमाग में भी ये चल रहा था इसलिए मैंने कहा कि मैं नाश्ता आज जो है थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊँगी। तो जो है बस पानी गर्म हो गया है, और सवेरे तो उन लोगों को मैं दे ही चुकी थी ना, तो मैंने टेस्ट किया था, इडली बहुत टेस्टी बन रही थी, बहुत टेस्टी लगी थी। तो मैंने आज उस टेस्ट को थोड़ा और इन्हेंस कर दिया, थोड़ा और बढ़ा दिया है और बढ़ाया है बस इसका जो बनाने का तरीका है ना थोड़ा सा चेंज करके, तो चेंज करते रहना चाहिए। और एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी तरीके से इडली बनाकर, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे यहाँ तो सबको बहुत पसंद आई थी। तो जो है इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी जीरा, और जीरा डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बाकी सब सब्जियाँ, क्योंकि सब्जी है ना तो थोड़ा सा अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी प्याज है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है और टमाटर है, और थोड़ा सा अदरक थोड़ा लहसुन को मैं पहले कूट के डाल देती हूँ। तो ये जो है जब थोड़ा सा प्याज थोड़ा सौती हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्याज को गलाना तो है नहीं, तो बहुत ज़्यादा प्याज गलेगा नहीं, हल्का सा सौती हो जाएगा, उसके बाद जो है
और मैं इडली को ना मैंने दो भाग में बांट लिया। आप चार टुकड़े भी कर लो जैसी आपकी इच्छा हो, इतने टुकड़े कर लो, या इसको हल्का सा मैश करके भी डाल देना तो भी बहुत अच्छा बनेगा। तो मैंने फ़िलहाल इसके टुकड़े किए हैं, वैसे मैश करके ही डालना था, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैश करने का मतलब थोड़ा थोड़ा फोड़ देना था बीच से। तो जो है अब बस इसमें डालूंगी हरी मिर्च और रेगुलर मसाले इसमें ऐड करेंगे, कोई कोई मैगी मसाला नहीं ऐड करने वाली। और थोड़ा सा रेगुलर मसाला जो है वो ही, थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी जो है मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर भी, क्योंकि धनिया बहुत अच्छा लगता है इसका स्वाद। तो धनिया पाउडर भी मिक्स कर देंगे इसमें। रेगुलर चीज़ें जो मोस्ट जो ईज़िली अवेलेबल हो अपने घर में, उन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं तो वही डालूँगी। और जब हमारा थोड़ा सा सौती हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया। और इडली को तो मैं पहले ही जो है हाफ ऑफ कट कर चुकी हूँ। ये मेरे रेगुलर मसाले हैं जो मैं रोज़ ही खाने में इस्तेमाल करती हूँ, और ये घर पे बने मसाले हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मैं धनिया को कैसे भून के उसके बाद जो है पीसती हूँ। हल्दी घर पे नहीं पीस पाते हैं तो मैं उसको पीसने के लिए भेजती हूँ। तो बस अब हमारा जो भी मसाला था ना, वो बिल्कुल सौती हो चुका है, बहुत अच्छा सा भून चुका है। टमाटर भी गल चुके हैं और जो शिमला मिर्च है वो भी जो है आधी पक चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी इडली। और आप बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। मैं सिर्फ दिखा सकती हूँ और इसमें से, और इसे आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। वैसे जो मैंने इडली पहले भी बनाई है ना, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, आप उसमें जाकर भी देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है बस, और कुछ भी स्पेशल अलग से नहीं है। बाकी तो रेगुलर के वर्क हैं जो मैं आप लोग के साथ हमेशा से शेयर करती हूँ, और इसे भी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और करने के बाद में बताइएगा कि मैंने कैसा बनाया है। और जो भी जो है बताना हो उसे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। तो इसका कलर टेक्सचर देख लीजिए कैसा लग रहा है, मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब सबको जो है टेस्ट करा के देखते हैं। और घर में अकेले मैं नहीं रहती हूँ, बहुत से लोग रहते हैं, तो सबकी आवाज़ें कहीं ना कहीं म्यूट करने भूल जाती हूँ, तो उसमें आ जाती हैं आवाज़ें। तो अगर आपको अगर आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि एक फैमिली में रहते हुए भी आप कहते हैं ना, पर्सनली या प्राइवेटली कुछ नहीं होता है। नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, अब बड़े सुकून से थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, और ये लोग भी जो हैं आज जल्दी आ गए, तो बस बस बैठे हुए और टाइम पास कर रहे हैं। आवाज नहीं आएगी, मैं आवाज काट दूंगी। पूरे दिन भागने दौड़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद, लंच डिनर रेसिपी और रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने के बाद, अगर कोई थोड़ा सा समय मिलता है तो वो समय मिलता है सिर्फ शाम को। तो शाम को मैं भी अपनी चाय लेकर आराम से किनारे बैठी हुई हूँ और चाय का आनंद ले रही हूँ, क्योंकि दिन भर में अगर आपको आराम से चाय पीना है तो सिर्फ शाम को ये चाय मिल सकती है। इससे पहले तो कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, तो इसमें लगा रहता है। अगर आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा।